दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी शिक्षकों की भर्ती निकल के आ रखी है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल अपडेट है, जिसमें यहाँ पर प्रयाग पोर्टल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कैसे घर फिल करना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो किस तरह का फिल करना है। पहले फॉर्म फिल नहीं करना है आपको, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होगा तो ही आपका फॉर्म फिल होगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देख लो, पुरानी वाली वीडियो जो मैंने बता रखा स्टेप बाय स्टेप। रजिस्ट्रेशन ही करना आपको कंपलसरी है, उसके बाद फॉर्म फिल करने का आपका ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप रजिस्टर करोगे, लॉग इन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको जो है वहां पर फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग भर्ती है। कई लोग पूछ रहे भाई कितने टाइम के लिए रखा जाएगा, ये परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, जब तक सरकार रखना चाहेगी तब तक रखा जाएगा। ठीक है, सरकार कहेगी जिस दिन आपको हट जाने के लिए तो उस दिन आपका हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 11 महीने, 12 महीने, 5 साल, 10 साल, तो परमानेंटली समझ लो इसको, जब तक सरकार नहीं कहती हटने के लिए। हो सकता है 10 बार 7 बार बात करें, सरकार की मर्जी है। ठीक है, और ये आपकी आउटसोर्सिंग है। ठीक है, यानी कि आपका जो है पेपर नहीं होगा, आपका जो है कॉम्पिटिशन जो होगा के बेस पर रहने वाला है। ठीक है, और इसमें विषयवार रखे गए हैं। कुल आपके यहाँ पर बीआरपी के 285 पद हैं, सीआरपी के यहाँ पर जो है 670 पद हैं। न्यूनतम योग्यताएं अगर बात करूं तो आपके पास न्यूनतम जो योग्यता है 55% के साथ स्नातक को रहना चाहिए, बीएड होना चाहिए, यूटेट या सीटेट होना चाहिए। यूटेट कई लोग पूछे भाई सीटेट कौन सा चाहिए, यूटेट कौन सा चाहिए, कोई भी चलेगा। चाहे आपने फर्स्ट कर रखा फर्स्ट चलेगा, और सेकंड कर रखा तो सेकंड चलेगा, दोनों चल जाएंगे। कंप्यूटर में कार्य करने के आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ना कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कंप्यूटर चलाने का। और 10% आरक्षण जो है राजकीय जो शिक्षक है उनको भी यहाँ पर जो है सेवा जो शिक्षक है उनको मौका मिलेगा। और 55 रखा गया है SC ST OBC की कोई छूट नहीं है अगर वगैरह। ठीक है, आपको करना क्या है, इसके जो प्रयाग पोर्टल है वहां पर लॉग इन करना है और registration.इस पर जाना है, आपको रजिस्टर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन पे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर देखकर यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इजीली जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले मतलब आपको फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रूप से रहेगा। आप जो है इसका वेबसाइट प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाए।